फटाफट हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं बिलाल शेख और आप देख रहे हैं तहलका न्यूज। महाराष्ट्र में ठंड ने 27 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ओस की बूंदे बनी बर्फ। महाराष्ट्र में सबसे न्यूनतम तापमान धुले में दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी के कारण धुले का पारा 3.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं महाबलेश्वर में ओस की बूंदे बर्फ में तब्दील हो गई है। बीजेपी का शिवसेना को जवाब, एनसीपी से हाथ मिलाकर बनाया मेयर। अहमदनगर में मेयर के लिए बीजेपी ने अपने परंपरागत सहयोगी शिवसेना का सपोर्ट न कर खुद एनसीपी और अन्य दलों के सपोर्ट से मेयर की सीट जीत ली है। बीजेपी ने इस नाते शिवसेना से पुराना हिसाब भी चुकाया, जब शिवसेना ने जिला परिषद के चुनाव में एनसीपी और कांग्रेस का सपोर्ट किया था। मुंबई में बिल्डिंग की 14वीं मंजिल पर लगी आग, 4 बुजुर्गों समेत 5 की मौत। मुंबई के तिलक नगर इलाके में एक इमारत की 14वीं मंजिल में आग लग गई है। शुरुआती खबरों के मुताबिक आग में 5 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू के बस अड्डे में धमाका, उधमपुर में नए साल को लेकर हाई अलर्ट जारी। खुफिया एजेंसियों के इनपुट के मुताबिक जैश के आतंकी जम्मू के उधमपुर जिले में मौजूद सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बना सकते हैं। जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा अब बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ जारी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में इस समय सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले हाजिन राजपुरा इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद उनकी तलाश में मुठभेड़ शुरू कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी और हाजीपुर दौरा, सहयोगी दल कर रहे हैं विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को वाराणसी और गाजीपुर में रहेंगे। मोदी की वाराणसी यात्रा इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि वाराणसी में 21 जनवरी से प्रवासी भारतीय दिवस होना है, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से चल रही है। शपथ लेने के 3 दिन बाद बटे विभाग, कमलनाथ के पास सबसे ज्यादा मंत्रालय। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। बता दें कि विभागों का बंटवारा मंत्रियों के शपथ लेने के 3 दिन बाद हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। नोएडा और ग्रैनो के बीच चलने वाली एक्वा लाइन मेट्रो के किराए के प्रस्ताव को हरी झंडी। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंधक निदेशक आलोक टंडन ने बताया कि न्यूनतम किराया 10 रुपया तथा अधिकतम किराया 50 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है। शुक्रवार को हुई 18वीं बोर्ड बैठक में नोएडा ग्रैनो के बीच चलने वाली एक्वा लाइन मेट्रो के किराए के प्रस्ताव को हरी झंडी प्रदान कर दी गई है। आप नेता की हुंकार, बीजेपी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में उतरेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय ने कहा कि कार्यकारिणी की बैठक में सभी प्रांतों के प्रतिनिधि सदस्यों का कहना था कि पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी लोकतंत्र को खत्म कर देश को तानाशाही की ओर ले जा रही है और यह प्रवृत्ति खतरनाक है। अमेरिकी मेक्सिको सीमा पूरी तरह बंद करने की ट्रंप ने दी चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको के साथ लगने वाली दक्षिणी अमेरिकी सीमा को पूरी तरह बंद करने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने यह चेतावनी अमेरिका मेक्सिको की सीमा पर दीवार बनाने के लिए आर्थिक सहायता की उनकी मांग को सांसदों द्वारा खारिज किए जाने के बाद दी है। भारत आने से पहले फ्रांस में होगा राफेल का ट्रायल, 20% ज्यादा खर्च किया गया। फ्रांस से अगले साल सितंबर को पहला राफेल प्लेन हासिल करने के बाद फ्रांस और भारत इसका 1500 घंटे तक गहन ट्रायल करेंगे। इस विमान के लिए भारत में जमकर राजनीति हो रही है और कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष पर हमला कर रही है। माइकल क्लार्क ने कहा, बुमराह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बनेंगे। माइकल क्लार्क ने कहा कि बुमराह पर दबाव या अपेक्षाओं का असर नहीं पड़ता है, वह सीखना चाहता है और बहुत मेहनती है, वह जल्द ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बनेगा। कबड्डी के मुकाबले में बेंगलुरु बुल्स ने जयपुर पिंक पैंथर्स को हराया। नीना गुप्ता ने शॉर्ट्स में कराया फोटोशूट, वायरल हुआ लुक।
एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने मैगजीन के लिए फोटोशूट कराया है। उनका फोटोशूट सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इन फोटोज में वो काफी स्टनिंग लग रही हैं। गहलोत ने कहा, चुनाव हारने की वजह से केंद्र सरकार नहीं दे रही है यूरिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा आरोप जड़ते हुए कहा कि चुनाव हारने के बाद केंद्र की मोदी सरकार राजस्थान के हक का यूरिया हरियाणा भेज रही है। प्रेमिका की हत्या कर बना साधु, 5 साल बाद भागवत कथा में पकड़ा गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस ने भागवत कथा सुना रहे एक साधु को प्रेमिका की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि आरोपी ने 5 साल पहले अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी और साधु के बेश में वह छिपा हुआ था। फटाफट हेडलाइंस में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए तहलका न्यूज़।